संजीव अग्निहोत्री, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद में अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। हमारी मांग सिर्फ यही है, हमारा नियमितीकरण किया जाए। हमारी जो नियुक्ति है वो संवैधानिक नियुक्ति है, RTI के तहत नियुक्ति है। आप राजपत्र उठा के देख लीजिए, जो भी हमारी नियुक्ति है वो संवैधानिक पद की नियुक्ति है। सरकार कह रही है कि हमने इतने बढ़ा दिए, ये कर दिए, कुछ नहीं। जब हमारे पैसे 17,000 रुपये पास हुए थे तो उसके बाद हम धरना भी दिए लखनऊ में कि हमारे 17,000 को सरकार माने, और सरकार ने उद्घोषण भी किया, घोषणाएं भी की, समाचार पत्रों पर, चैनलों पर भी चलवाया अपनी बाबाही लूटने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हमारा 17,000 मानदेय हमें नहीं दिया गया। उसके बाद हम जब कोर्ट में गए, कोर्ट से हम जीत के आए तो कोर्ट ने सीधे आदेशित किया हाई कोर्ट से, तो वहाँ कहा कि हमारा जितना भी एरियर बनता है उससे 9.5% का ब्याज लगाकर उनका भुगतान किया जाए। तो उन्होंने इस पर भी सहमति नहीं जताई। फिर हम डबल बेंच में पहुँचे, डबल बेंच ने भी आदेश आया, आदेशित किया गया कि इनको लिखित रूप में आदेशित किया गया, कोर्ट कंटेप्ट भी हुआ। लेकिन ये सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार ने अभी तक नहीं सुना है, ना सुनने वाली है। सिर्फ और सिर्फ हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो अन्य स्टेटों में चल रहा है, वहाँ मतलब सुचारू रूप से उस कार्य को कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन एक ये सरकार, एक हटी सरकार, एक तानाशाही सरकार, जो कि हमारे मुद्दों से को भड़का के और जाति बात पर लग जाती है। जो रोजगार होना चाहिए, जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार होना चाहिए, जो हम संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे हैं, आज आप देख लीजिए बेसिक शिक्षा विभाग में, जब 2013 से पहले कि जो क्या दुर्दशा थी, हम अनुदेशक साथियों के आने के बाद में आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा होगा बच्चों की जो शैक्षिक स्तर है उसमें कितना सुधार हुआ है। ये आप लोगों से अभी छिपा हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही सरकार से सवाल है कि हमको नियमितीकरण किया जाए और हमारा जो भी कार्य है, समान कार्य समान वेतन, जो कि विगत कई प्रदेशों में उसका लागू किया जा चुका है, यह सरकार तानाशाही सरकार नहीं मान रही है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, मुद्दा हमारा एक ही है, नियमितीकरण और नियमितीकरण। जो हम हर हाल में लेके रहेंगे वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे हम लेके रहेंगे। यही हमारा सभी साथियों से कहना है कि पूरे मन और तन से लग जाइए और इस काम को मजबूती से उठाएं और सरकार के कानों तक इस काम को पहुंचाने का कार्य हम सभी करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, यहाँ पर आपने देखा ये लोग अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। मैं एक और अनुदेशक भाई हैं, उनसे बात करना चाहूँगा कि उनकी क्या मांग है। चलिए, एक अनुदेशक भाई हैं, आप अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह अनुदेशक जलालाबाद। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें हमारे पद पे ही नियमितीकरण कर दिया जाए। और कई सरकारें आईं लेकिन किसी ने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। और जी, आपका मुद्दा यही है कि नियमितीकरण, हाँ, हमें बस नियमितीकरण कर दिया जाए हमारे पद पे ही, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें हमारे पद पे ही नियमितीकरण कर दिया जाए। आपने सरकार से मांग की कभी पहले? हमने कई सरकारें आई, हमने हर सरकारों से यही कहा कि हमें हमारे पद पे ही नियमितीकरण कर दिया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और हम लोग अंशकालिक हैं लेकिन पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, और बहुत अल्प सैलरी में काम करना, घर का गुजारा चलाना ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमें जो है हमारे पद पर नियमितीकरण चाहिए। आपने देखा साथियों, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण चाहिए इनके लिए। कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। ये बात अपनी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार अनुदेशक रख रहे हैं। अब इस समय विधानसभा चुनाव
होने को हैं और इनकी मांग है, अभी भी इनकी मांग है सरकार से, जो भी वर्तमान में सरकार है, कि उनको नियमितीकरण दिया जाए या घोषणा की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी राहत भरी खबर इनके लिए नहीं है। 10 तारीख को फैसला होगा और ये लोग क्या चाहते हैं ये तो अभी वक्त बताएगा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।